हेलो एवरीवन, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज है चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। कंटेंट बहुत शानदार है इसका। ओके, नाउ माइकल पॉटर की स्ट्रेटजी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई थी। पिछली क्लास अभी छोटी हुई थी, चैप्टर 3 की, इट वाज 1.5 आवर्स टाइप्स। उसमें माइकल पॉटर ने जेनेरिक स्ट्रेटजी में क्या दिया, कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस है, यही तीन बोला बंदा। ओके, वो सबको जेनेरिक स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो कोई भी फॉलो कर सकता है, छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी, और वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ग्रैंड स्ट्रेटजीज, जो ग्लूक और जॉर्च ने हम लोगों को दिया था। ग्रैंड स्ट्रेटजीज भी एक्चुअली देखा जाए इसमें से मैक्सिमम तो छोटे कंपनियां भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेटजी ऐसा है जो सिर्फ बड़े कंपनीज कर सकते हैं, ठीक है, इनको ग्रैंड स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये भी हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जनरेट करने में हेल्प करती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इस चैप्टर में ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे, ये सब किसने बताया, ग्लूक एंड जॉर्च ने। और इसमें एक से एक अंदर चार्ट आएगा, आई विल शो इट टू यू। चार ब्रॉड स्ट्रेटजीज है, ठीक है, ग्लूक जॉर्च ने बोला चार ब्रॉड स्ट्रेटजीज है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। एकदम सिंपल है। स्टेबिलिटी मतलब है हम अपने बिजनेस को अभी जैसा चल रहा है वैसा ही मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में वही मेहनत कर रहे हैं कि वो बिजनेस मेंटेन रहे, ना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं ना कम करने की सोच रहे, जैसे वैसे ही है। उसमें भी तो मेहनत है, अगर तुम ऑलरेडी फर्स्ट आते हो तो फर्स्ट आने में भी तो मेहनत लगता है भाई, ठीक है। तो ये मत सोचो कि स्टेबिलिटी में कोई मेहनत नहीं है, स्टेबिलिटी में हम लोग को ज्यों का त्यों पोजिशन रखने में भी काफी मेहनत होती है, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से एक कदम आगे क्या लिखा है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। सेकेंड इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। जैसे जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी में नहीं जाते, वो सब हमेशा एक्सपेंशन में जाते हैं, उनको रैपिड एक्सपेंशन चाहिए कि मार्केटिंग में पैसा फूको और दबादम दबादम माल बेचो और अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, ठीक है। तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट मतलब पीछे हटो, अभी समय सही नहीं है, थोड़ा पीछे हटो। रिट्रेंचमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, छोटा रिट्रेंचमेंट, बड़ा रिट्रेंचमेंट। छोटा रिट्रेंचमेंट मतलब हमारा बिजनेस सब चलेगा, बस हम अपना कोई एक प्रोडक्ट लाइन बंद कर देंगे या अपना कोई एक बिजनेस डिवीजन बंद कर देंगे, वैसा उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। टाइम टू टाइम होता ही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कोई ना कोई बंद करते हैं, नया चालू करते हैं, वो दिक्कत नहीं है। बड़ा रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है, बड़ा रिट्रेंचमेंट की कंपनी बंद ही हो रहा है, मतलब एकदम गोइंग कंसर्न खत्म जिसको बोलते हैं, दैट इज लाइक अ कंप्लीट रिट्रेंचमेंट। और चौथा क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों का मिक्सचर। टाइम टू टाइम तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है ना, कभी आपने स्टेबिलिटी किया, कभी आपने एक्सपेंशन किया, कभी आपने रिट्रेंचमेंट किया। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी तो सिंपल है, उसका कोई ब्रेकअप नहीं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बात खत्म। लेकिन सर जो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन पीछे हटना चाहता है या कौन स्टेबल रहना चाहता है, सबके सब क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन, ग्रोथ। तो ग्लूक जॉर्च ने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाए हैं। देयर इज एन एक्सप्लोसिव चार्ट, आई विल शो इट टू यू। ये पेज नंबर 5 पर है डायग्राम, इन देखो, जस्ट लुक एट द बोर्ड प्लीज। डायग्राम इस तरह से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कितने हैं, चार। पहला क्या है, स्टेबिलिटी का फर्दर कुछ आगे मूव ऑन नहीं, बस इतना ही स्टेबिलिटी। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का भी देखो आगे कुछ नहीं है, रिट्रेंचमेंट का आगे कुछ नहीं है, है पर वो अलग टॉपिक में, वो इसमें नहीं है, अलग टॉपिक में बताऊंगा। रिट्रेंचमेंट के भी दो चार तरीके हैं, वो अलग से पढ़ेंगे, वो यहां नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का भी देखो फर्दर कोई ब्रेकअप नहीं है। अब जो होना है किसका होना है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अब ग्रोथ एक्सपेंशन को देखो, इन्होंने बोला अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो दो तरह की ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। यहां तुमको ऐसे ऐसे नाम अभी जानने को मिलेंगे जो तुम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते थे, अब तुमको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग सोचते थे कि सामने वाला आदमी पता नहीं कितना चतुर होगा, स्मार्ट होगा, कुछ नहीं, सबको पता है ये सब। तुम भी अभी सीख जाओगे, तुम भी चतुर और स्मार्ट हो जाओगे। इंटरनल ग्रोथ को ना हम लोग एक फैंसी नाम देते हैं, वी कॉल इट ऑर्गेनिक ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो आज के बाद अगर कभी ये नाम सुन लो, ग्रोइंग ऑर्गेनिकली, मतलब एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा मैं और खाने पीने की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। बिजनेस में अगर कोई आपको बोले ऑर्गेनिक ग्रोथ, ग्रोइंग ऑर्गेनिकली, तो उसका मतलब वो इंटरनल ग्रोथ, इसका मतलब है वो अपने आप ही मेहनत कर करके बिजनेस को ग्रो किया है, कोई मर्जर अमेलगमेशन, टाई अप, पार्टनरशिप नहीं किया है, अपने आप ही मेहनत करके ग्रो किया है, ठीक है। दूसरा सर क्या दिख रहा है नीचे में, एक्सटर्नल ग्रोथ, ऑर्गेनिक का उल्टा।
बिजनेस में जब तक थोड़ा केमिस्ट्री नहीं घुसे क्या मजा आएगा। कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी मैथ्स घुसा दो तो एक फैंसी नाम दे दो। यू कुड हैव सफाइज्ड विद एक्सटर्नल ग्रोथ बट नो, मजा नहीं आ रहा ना, एक फैंसी नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है दो लोग आपस, दो बड़ी बड़ी कंपनी आपस में मर्ज हो गई, जैसे पीवीआर आइनॉक्स नाम सुना है ना, वो हुआ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक सेकंड में ग्रोथ हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फर्क क्या है सर? ऑर्गेनिक जो होता है ना स्लो होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है फास्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, वेरी गुड। अब एक्सटर्नल ग्रोथ की बात बता रहा हूं। एक्सटर्नल ग्रोथ देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, बस दो। क्या? नंबर वन, मर्जर एंड एक्विजिशन। ये शुरू में ही, अभी अभी इंट्रो में ही मैं तुमको सारे नाम बता बता के एकदम कंफर्टेबल कर देना चाहता हूं। ये याद हो जाना चाहिए, ये जितने भी चार्ट वार्ट बता रहा हूं ना, ये याद होके निकलना है क्लास से बाहर। ओके, ध्यान से। एक्सटर्नल ग्रोथ कितने टाइप का होता है? दो, मर्जर एंड एक्विजिशन, और दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। सर दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं, एकदम भावनात्मक बताऊंगा, एकदम इमोशनल। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि मैं कोचिंग सेंटर की तरह सेटअप कर लूं, ठीक है, जिसमें मैं टीचरों को लाला के पढ़वाऊं। ओके, जैसे मैं एक टीचर हूं और भी टीचर्स लोग हैं, सब मिल गए और एक ही कंपनी बना लिया, इसको बोलते हैं मर्जर एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, दोनों कंपनी अलग अलग नहीं, अब वो लोग आपस में मिक्स हो चुके हैं, एक्स एंड वाई हैज बिकम एक्स वाई, दैट इज मर्जर एमलगेशन। अलायंस में ऐसा नहीं होता। अलायंस में क्या होता है, एक्स लिमिटेड अपना वजूद अलग है, वाई लिमिटेड अपना अलग वजूद है, हम लोग साथ में आए हैं पर हमने कंपनीज को अमेलगमेट नहीं किया है, हम लोग साथ में आए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर हमने कोई ऐसे आपस में ऐसे मर्ज होना नहीं किया है। ओके, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मतलब एक घटिया या क्रूड एग्जाम्पल देके बता सकता हूं, शादी मर्जर एक्विजिशन है, दोस्ती, मैं लिव इन नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ठीक है, वैसा मर्जर में क्या होता है, दोनों कंपनियां अब एक एक हो चुकी है, मिक्स हो चुकी हैं, पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर हुआ है, अलायंस नहीं। अलायंस का मतलब है, जैसे मैं अलायंस का तुमको एग्जांपल देता हूं, तुमने डोमिनोज कभी ऑर्डर किया होगा, डोमिनोज वो पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, तो डोमिनोज पिज्जा वाले कौन से कोल्ड ड्रिंक भेजते हैं, पेप्सी की कोकोला, पेप्सी, एक ही भेजता होगा, या तो पेप्सी या कोकोला, उस किसी एक के साथ उनका टाई अप है, पेप्सी है डोमिनोज के साथ, तो डोमिनोज का पेप्सी के साथ अलायंस है। मतलब डोमिनोज अपने मेनू में पेप्सी का फोटो देगा, कॉम्बो मील में पेप्सी डालेगा, वो है। वैसे पिज्जा हट वाले का उल्टा होगा, उसका कोकोला के साथ अलायंस होगा। ठीक है, तो अब डोमिनोज और पेप्सी एक नहीं हो गए, दोनों अलग हैं, पर दोनों एक दूसरे का मार्केटिंग अलायंस कर रहे हैं कि डोमिनोज वाले अपने कॉम्बो मील्स में या प्रोडक्ट्स में पेप्सी को सपोर्ट करेंगे और पेप्सी उनको फाइनेंशियली मतलब रॉयल्टी शेयरिंग करेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो पेप्सी अपना अलग है, डोमिनोज अलग है, पर एक दूसरे को मार्केटिंग में सपोर्ट करें, दैट्स कॉल्ड अलायंस। ठीक है, और मर्जर मतलब तो एक होगा सर, वो होता है। ठीक है, तो मर्जर और अलायंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या फर्क होता है मर्जर और अलायंस के बीच में? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? डिफरेंस मेंटली जा रहा है तो क्लियर? ठीक है, ऊपर चले, सब लिखा दूंगा बाद में, अभी खाली बस एक बार, सब डिटेल में लिखा हुआ है अंदर, अभी खाली एक बार फटाक से समझना जरूरी है। अब सारी मेहनत किस पे होने वाली है? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ दो प्रकार का होता है, ऊपर देखो क्या लिखा है, इंटेंसिफिकेशन, और नीचे कौन है अपना, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले मैं इंटेंसिफिकेशन की बात करूंगा। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं इंटेंसिफिकेशन का। इंटेंस मतलब मैं जो अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, मैं अपने इसी प्रोडक्ट में रहूंगा और इसमें इतना वेरिएशन करके लोगों को टारगेट करना चाहूंगा। जैसे आपको ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोका कोला, कोको कोला आपको अलग अलग बॉटल वॉटल में मिल जाएगा कि नहीं, सेम साइज में। कैन पीना है, कैन मिलेगा, इनफैक्ट कैन भी मेरे ख्याल से दो साइज के आते हैं, 300 ml 200 ml ऐसे। ठीक है, और अगर आपको बॉटल खरीदनी है, ग्लास वाली बॉटल मिलेगी, प्लास्टिक की बॉटल खरीदनी वो भी अलग अलग साइज की आती है ना, छोटा बड़ा 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 बॉटल, सेम प्रोडक्ट है पर इतना वेराइटी क्रिएट कर दो कि कस्टमर को छोटा लेना है छोटा ले, बड़ा लेना है बड़ा ले। इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे इतना फोकस मारते हो कि उसकी सेल
बढ़ जाती है, दैट इज इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन को सबसे पहले पॉपुलर किया था आइगोर एंसॉफ ने, जिसके नाम से है एंसॉफ मैट्रिक्स, मैं ले जाऊंगा बाद में। एंसॉफ ने बोला इंटेंसिफिकेशन के ये तीन तरीके हैं। नंबर वन, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन को आपसे एमपी बोलेंगे, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आई वॉन्ट माई एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ माई प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। कोका कोला एड देखे बोल रहा है हर वक्त कि दिन में तुम तीन बार चार बार कोक पियो, जब खाना खाने बैठो कोक पियो, पानी पीना भूल जाओ, पानी का सब्स्टिट्यूट है कोका कोला। मतलब तुम मेरे सेम कस्टमर हो, तुम मोर 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 कंज्यूम करो, नया मार्केट नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं, वही प्रोडक्ट है, ज्यादा 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 कंज्यूम करो, दैट्स कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल जो आईसीए पूछा एग्जाम में। टूथपेस्ट वाली कंपनियां नहीं बोलती दिन में आपको दो बार ब्रश करना चाहिए, ऑब्वियसली अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं, करनी चाहिए, लेकिन दो बार ब्रश करेंगे तो उनका तो सेल बाबू सीधा डबल हो गया कि नहीं हो गया, उनका तो सेल सीधा डबल हो गया कि नहीं हो गया, दैट्स मार्केट पेनिट्रेशन। सेल मोर टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, सेम प्रोडक्ट सेल मोर। अब ये देखो हर धंधे में तो हो नहीं सकता, हर धंधे में हो सकता है कि सेम कस्टमर को और बेचो, वो तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, लेकिन कई धंधे में हो सकता है। आईफोन वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप तो अगर कोई आईफोन का प्रेमी है तो जीवन भर आईफोन ही खरीदता रहेगा, बार 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 सेम कस्टमर, आईफोन का ये वर्जन आया, फिर दो साल बाद वो वर्जन आया, फिर दो साल बाद वो वर्जन आया, फिर आया, खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, दैट्स कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, दूसरा क्या है, एमडी, और फिर क्या है, पीडी, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है बेसिकली मेरा वही प्रोडक्ट है सेम, पर मैं उस सेम प्रोडक्ट के लिए नए नए मार्केट ढूंढ रहा हूं, मैं सेम प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहा हूं, नए नए मार्केट ढूंढ रहा हूं और मार्केट बड़ा करते जा रहा हूं उसका। जैसे मेरा सपोज माल केवल इंडिया में बिकता है, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में बिके, श्रीलंका में बिके, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिके, इंडोनेशिया में बिके, चाइना में बिके, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड द साइज ऑफ माई मार्केट। प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट वही है, खाली मार्केट और बड़ा करना है मेरे को। मैं नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ला रहा हूं जिससे कस्टमर तक मेरा गुड्स पहुंच सके। सेम प्रोडक्ट बट यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर मार्केट, यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर कस्टमर्स। एमपी और एमडी में क्या फर्क है? सर एमपी में क्या होता है, आप नंबर ऑफ कस्टमर नहीं बढ़ाते हो, सेम कस्टमर को ज्यादा कंज्यूम करवाते हो, और एमडी में क्या होता है, यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ कस्टमर्स। प्रोडक्ट इज सेम बट यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये हो सकता है एमडी। थर्ड क्या है सर, पीडी। पीडी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कोका कोला ने डाइट कोक निकाला कि नहीं निकाला? हाँ, कोका कोला का इतना बड़ा मार्केट है ना, कोकोला का इतना बड़ा मार्केट है, पर कोकोला को लग रहा है कि देखो हमारे बारे में चीनी को लेके बड़ा फैला हुआ है कि शुगर कंटेंट हाई है ये वो, तो हमको कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा जो कैलोरी कॉन्शियस लोग कंज्यूम कर सके, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया कोका कोला जीरो, डाइट कोक, ठीक है, अलग अलग लॉन्च किया। अब तुम बोलोगे सर जीरो डाइट कोक में क्या फर्क है, दोनों बिना चीनी का है, पर दोनों में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना वो अलग अलग डाला हुआ है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने सुना है शुगर फ्री का नाम, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं कि चीनी से बचना है तो, ठीक है, एस्पार्टेम। तो होता क्या है कि कोक जीरो भी कैलोरी फ्री है, डाइट कोक भी कैलोरी फ्री है, पर दोनों में अलग अलग स्वीटनर है। तो देखो वो लोग कितना वेरिएशन कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट अल्टीमेट देखो मेन प्रोडक्ट तो वही है आपका कोकोला, अब उसी में आप बिना चीनी वगैरह सब का चेंजेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उससे आपकी आउटरीच बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, आप समझ रहे हो? क्योंकि प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट कई जन को पसंद है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ चीनी को ले नहीं रहा है, तो चलो हम चीनी के बिना कर देते हैं, अब ले लो आप आके, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नॉनवेज के साथ वेज मेनू दे रहे हैं कि नहीं? तुमने कभी अगर डोमिनोज का मेनू, पिज्जा हट का मेनू, मैकडॉनल्ड्स का मेनू देखा है? अल्टीमेट बर्गर वही है, बस चिकन पैटी हटा के आलू पैटी डाल दो, चेंज हो गया, और क्या? यही तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और क्या है? तुम कभी डोमिनोज में टाकोस ऑर्डर किए हो? डोमिनोज के अंदर टाको वेज, टाको नॉन वेज, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। टाको नॉन वेज बोलोगे बीच में चिकन डालेगा, वेज बोलोगे तो आलू का पैटी डाल देगा, यही है, और क्या? दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब प्रोडक्ट में जरा सा चेंज, कोई आबर तोबर चेंज नहीं, जरा सा चेंज, दैट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तीनों स्ट्रेटजी को अपने क्या बोलते हैं, इंटेंसिफिकेशन। ये लॉन्च कौन किया था? अपना एंसॉफ। एंसॉफ मैट्रिक्स एक बार दूर जाके दिखाना पड़ेगा मुझे तुमको। ये देखो बंदे का नाम क्या है, एंसॉफ, आइगोर एंसॉफ।
लुक एट दिस आइगोर एंसॉफ। इस बंदे ने बोला देखो चार स्ट्रेटजी होती है, चार में से तीन को मिला के अपने बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन, और चौथा और चौथ 15 नंबर पेज पे होगा ये शायद, और चौथा को बोलते हैं जो नाम लिखा वही नाम लिखा है डाइवर्सिफिकेशन। अभी मार्क नहीं करो, बाद में जाऊंगा तब कर लेना ठीक है, अभी बस समझो ना एक बार, अभी तो इंट्रो चले, पढ़ाया चालू ही क्या। मैं चाहता हूं पूरा सारा स्ट्रेटजीज का नाम एक साथ धड़ाम से अंदर घुस जाए, याद हो जाए। चैप्टर फोर बहुत रंगीला है, इसमें जितने स्ट्रेटजीज और जितने मैट्रिक्स है ना किसी चैप्टर में नहीं है। अगर स्ट्रेटजी के बारे में सिर्फ ये चैप्टर भी पढ़ा के वो लोग भेज देना तुमको, तो तुम जीवन में काफी स्ट्रेटजी सीख चुके हो। ओके, तो एंसॉफ ने बोला कि देखो भाई ये तीन स्ट्रेटजी जो है ना ये क्या है, इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, इंटेंस समझते हो, इंटेंस आपका सामान वही है उसी में आप और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और ज्यादा बेचना चाहते हो, या तो सेम कस्टमर्स को और कंज्यूम करवाओ, या प्रोडक्ट वही है कस्टमर्स बढ़ाओ, या अपने प्रोडक्ट में हल्का हल्का चेंज करो थोड़ा थोड़ा ताकि सारे तरह के कस्टमर्स को वो सूट करने लग जाए, दैट इज इंटेंसिफिकेशन। लेकिन सर डाइवर्सिफिकेशन ये पूरा उल्टा है, एकदम उल्टा है। इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है, आपकी जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हो, थोड़ा सा करते हो, कोको कोला का डाइट कोक कर दिए इतना, पर कोको कोला का लस्सी बना दिए वो नहीं होगा, या दूध कोको कोला का आ रहा है वो नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा बदल दिए, हल्का सा बदल दिए। प्रोडक्ट की आत्मा वही रहेगी, प्रोडक्ट की आत्मा वही रहेगी, शरीर नया बस उतना। लेकिन सर डाइवर्सिफिकेशन में तो हम प्रोडक्ट की आत्मा परमात्मा सब बदल देंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी बेसिकली होता है डाइवर्सिफाई, एक नया चीज चालू करूंगा, एक नया प्रोडक्ट ही लेके आ जाऊंगा, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। पीछे जा रहे हैं वापस वहीं पे, अब हम आ रहे हैं किस पे सर, डाइवर्सी इंटेंसिफिकेशन क्लियर है, अब किस में आ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है नया धंधा नया प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, नया धंधा नया प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझो एकदम नया प्रोडक्ट। नाउ सुनो, कोका कोला वाले ने डाइट कोक बना दिया तो क्या एकदम नया कुछ हो गया क्या? हाँ, अगर कोकोला वाला दूध बेचता लस्सी बेचता तो आप बोलते नया है, या कोकोला वाला दारू बेचता वो आप बोलते नया है, पर कोकोला में डाइट कोक कर दी सर वो आप कोई कमाल नहीं किए। ठीक है, मैं ओल्ड सिलेबस पढ़ाता था, मैंने न्यू सिलेबस पढ़ाना चालू कर दिया तो क्या पूरा बदल गया क्या सब कुछ? सर वही तो चल रहा है, चेंज कर दिया, समझ रहे हो बात को? हाँ, अगर मैंने अचानक से सीए छोड़ के फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया होता वो तो मुझे हाँ सर नया प्रोडक्ट है, पर ये नया प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट में भी ना न्यू होता है एकदम न्यू न्यू कि थोड़ा न्यू, सर इसका क्या मतलब है बता रहा हूं मैं, पहले यहां तक क्लियर है सबको, अब एक दूसरे डायग्राम में ले जाएंगे, पेज नंबर इसका 7 होगा शायद, लेट्स टॉक। ये देखो, सोचो मन में सोचो कि 5 अलग अलग कंपनियां हैं जो 5 अलग अलग तरह के काम करती है। फर्स्ट कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है, सेकंड कंपनी इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है, थर्ड कंपनी फिनिश गुड्स बनाती है मैन्युफैक्चरिंग करके, फोर्थ कंपनी मार्केटिंग का काम करती है, बनाती कुछ नहीं मार्केटिंग करती है सेल करती है, फिफ्थ कंपनी आफ्टर सेल सर्विस करती है। ठीक है, अब इसमें तुम लोग मत करना जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी। सपोज हम लोग ये हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, हम लोग किसमें हरा रंग किया ना मैंने, मतलब हमारी कंपनी क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग। अगर कल से हम इस पूरे इसको ना बोलते हैं वर्टिकल चेन, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल चेन, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। जैसे लेट मी हैव एन एग्जांपल, मैं अभी एक बार सैमसंग का नाम ले लूं, बहुत दिन एप्पल एप्पल हो गया, सैमसंग वाले इसका रॉ मटेरियल खरीदते होंगे कि नहीं, अल्टीमेटली जो ये तो मेटेलिक बॉडी है, जो भी बॉडी है ग्लास या प्लास्टिक कहीं तो बना होगा, दैट इज रॉ मटेरियल। ये टेम्पर्ड ग्लास ऊपर लगा रहता है ना मोटा सारा ग्लास, इसको क्या बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास। ठीक है, तो ये तो ग्लास तो सैमसंग वाले ने कहीं से खरीदा है तो वो हो गया रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी। अच्छा, इसकी बैटरी भी किसी ने बनाई होगी तो इसके अंदर अलग अलग जो पार्ट्स लग रहे हैं छोटे छोटे वो भी बनवाता है सैमसंग किसी से, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
और सैमसंग खुद क्या करता है, उस सबको असेंबल करके ही फोन बनाता है। इस असेंबल्ड फोन का काम है मैन्युफैक्चरिंग, सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर सैमसंग पीछे जाना चालू करे तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अगर सैमसंग सामने जाना चालू करे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब सैमसंग का फोन बन गया, उसके बाद सैमसंग का माल बिकता है कि नहीं बिकता है? अलग अलग दुकानों में जाकर तुम फोन खरीदते हो ना, डिस्काउंट डिस्काउंट लेके। अच्छा, फिर खराब होने के बाद तुम ठीक कराने भी जाते हो, कहां जाते हो? सर्विस सेंटर। अगर सैमसंग बोले कि अब से मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर रहे हैं, बेचेंगे भी हम खुद, हम किसी और के थ्रू नहीं बेचेंगे। सैमसंग ने पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में अपना ही अलग से सेल्स का आउटलेट खोल लिया, दुकान खोल लिया, बोला यहीं पे बिकेगा और कहीं नहीं बिकेगा। जैसे एप्पल का आई स्टोर होता है, एप्पल का अलग से स्टोर्स होता है कि नहीं, जहां बिकता है वैसे सैमसंग हम भी करेंगे। तो इसका मतलब है सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेल भी करना चालू कर दिया, एक नया काम करना चालू कर दिया ना। इट्स लाइक अ न्यू प्रोडक्ट, इट्स लाइक अ न्यू सर्विस। और वो अपने चेन में आगे आ रहा है कि पीछे जा रहा है? आगे, सामने। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, आज के दिन सैमसंग के जितने भी सर्विस सेंटर होते हैं वो उनके खुद के नहीं होते, वो दूसरी दूसरी कंपनियां होती हैं जिनको सैमसंग ऑथराइज सर्विस सेंटर बनाते हैं और लोग सर्विसिंग करते हैं। कल को सैमसंग ने बोला सारा सर्विस सेंटर हम खुद अपना क्रिएट करेंगे, हम किसी और को सर्विस करने नहीं देंगे, सारा सर्विस सेंटर हम ही क्रिएट करेंगे। तो सैमसंग फिर और आगे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देखो कितना सुंदर डायग्राम है, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। इतना सा सर्कल सैम, तुम लोग मत करना, सैमसंग ये भी करना स्टार्ट कर दिया या ये भी करना स्टार्ट कर दिया, तो चेन में आगे जा रहा है कि नहीं? व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन द चेन दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सर रिवर्स भी हो सकता है, देखो फॉरवर्ड दिखाई दिख रहा है, ठीक है? अब सर रिवर्स भी तो हो सकता है। ये सैमसंग है, सैमसंग बोलता है ये देखो, अब सैमसंग पीछे जाना चाहता है, वो बोलता है अब से अपना रॉ मटेरियल और पार्ट्स हम खुद बनाएंगे, किसी से लेंगे नहीं। मतलब इट्स लाइक दिस। तो ये क्या कहलाएगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप एक नया काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पर वो नया काम कहीं ना कहीं आपके वर्टिकल चेन का हिस्सा है ना। तो नया है पर अति नया भी नहीं है, नया है पर अति नया भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंट सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। कॉन्सेंट्रिक वर्ड सुने हो? ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस बट हु हैव द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का यहां पर मतलब एकदम सिंपल, इट मींस रिलेटेड। इट मींस व्हाट? मतलब हम जो भी नया प्रोडक्ट या सर्विस चालू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटेड या कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ऊपर नाम देखो क्या लिखा है, दिख रहा है? तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन ब्रैकेट में रिलेटेड। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, मैं टीचर हूं ना, मेरी बहुत सारी बुक्स छपती है। कल को मैं सोचा कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं और मैं अब किसी और से प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं खुद ही अपनी किताबें प्रिंट करके बेचूंगा। तो किताबें बेच रहा हूं, नया काम है मेरे लिए ये तो, पर है तो सर ये मेरे वर्टिकल चेन का हिस्सा ना, समहाउ रिलेटेड टू माई एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ये कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आई हैव डाइवर्सिफाइड बट इनटू रिलेटेड बिजनेस। और कल को अगर मैं बिल्डिंग बनाना चालू कर दूं, सब लोग सर तो एकदम ही अलग है, इसका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, वो होगा अनरिलेटेड। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ही होता है बड़ी कंपनी जो एकदम अलग अलग धंधे बनाती है। टाटा के बारे में क्या ख्याल है? टाटा 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 का सारा प्रोडक्ट एक जैसा है कि एकदम अलग अलग है सर? नमक भी बनाता है, ठीक है, प्लेन भी उड़वाता है, एयर इंडिया ले लिया ना, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है TCS, गाड़ी भी बनाता है, स्टील भी है। तो टाटा वाले क्या है? कॉन्ग्लोमरेट, मतलब एकदम अलग अलग धंधे बना रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो मेरी बात हो रही है? देखो एग्जाम्पल देना अलग बात है, सच्चाई ये कि तुम मेरे ऊपर अगर एग्जाम्पल लाओगे ना कोई भी, मैंने बता दिया तो थोड़े लिमिटेड हो जाओगे, क्योंकि इट्स लाइक अ वन मैन शो। आई एम अ प्रोफेशनल, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन
नहीं हूं। मेरा पढ़ाना मेरे तक सीमित है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो भी पढ़ाऊं वो हल्का फुल्का डाइवर्सिफिकेशन ही होगा, कॉन्सेंट्रिक ही होगा। उसको भी कॉन्ग्लोमरेट आप नहीं बोल पाओगे, बिकॉज बेसिक प्रोसेस मेरा सब कुछ वही रहने वाला है। अगर आज मैं सपोज फिजिक्स भी पढ़ाऊं, यही सेंटर रहेगा, यही सिस्टम्स रहेंगे, बस मुझे उनके लिए बुक्स अलग बनानी पड़ेंगी, क्लासेस अलग करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सच बात तो ये है कि फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा तो वो कॉन्ग्लोमरेट नहीं है, वो कॉन्सेंट्रिक में रहेगा, ठीक है। ठीक है, इधर आ जाए वापस। फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? वर्टिकल चेन में आगे, बैकवर्ड का मतलब वर्टिकल चेन में पीछे। तो ये आगे पीछे जो करते हो ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और दूसरा क्या होता है सर? एक और होता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हुआ है? मैंने अपनी जैसी मिलती जुलती कंपनियों के साथ मर्जर कर लिया। पीवीआर वही काम करता है ना जो आइनॉक्स करता है, मर्ज हो गया। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है चेन के अंदर मैं ऊपर नीचे वाला काम नहीं कर रहा हूं, मैं सेम काम कर रहा हूं और मेरे जैसे ही सेम काम करने वाली दूसरी कंपनी है उसको अपने साथ टेक ओवर कर रहा हूं, टेक ओवर कर रहा हूं, टेक ओवर कर रहा हूं और बड़ा बनते जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, यू अंडरस्टैंड द वर्ड वर्टिकल, ऊपर नीचे, वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब हम मैन्युफैक्चरर वन है, वो मैन्युफैक्चरर टू है, वो मैन्युफैक्चरर थ्री है, हम तीनों मर्ज हो गए। तो ये क्या? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर? दैट्स हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उन दोनों में क्या खास बात है सर? दो बातें हो सकती है, या तो वो हमारे जैसा ही डिट्टो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, या सब्स्टिट्यूट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के साथ सूट करता है, ठीक है। तो उन दोनों के साथ भी अगर मैं मर्जर कर लूं तो वो सेम है, सबके सब मैन्युफैक्चरर है, हम लोग सब क्या है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वापस पीछे ये इधर देखो, डाइवर्सिफिकेशन में कितने तरह का बताया, इधर वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल कितने टाइप का होता है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आगे वाला काम चालू कर दो फॉरवर्ड, पीछे वाला काम चालू कर दो बैकवर्ड। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम टाइप का ही मैन्युफैक्चर लोग में टाई अप, दैट इज हॉरिजॉन्टल। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिलेटेड, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो रिलेटेड है। अमूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, तुमको बढ़िया एग्जाम्पल चाहिए अमूल ले लो। अमूल कॉन्सेंट्रिक में है ना। अमूल क्या बनाता है? दूध। और क्या बनाता है? दूध बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, दूध बेस्ड, जैसे अमूल लस्सी, अमूल छाछ, तो वो तो दूध का ही स्पिन ऑफ है ना। चीज बटर दूध का ही है ना अल्टीमेटली कनेक्टेड, तो वो है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब सर एकदम अलग, जो कंपनी सुट्टा बनाती थी वो आटा बना रही है, यू नो द नेम ITC, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, एकदम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स। अभी तुम नोटिस करो जरा, चारों स्ट्रेटजी में सबसे धमाकेदार स्ट्रेटजी कौन सा है? ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तीसरा और एक है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब पीछे हटो। अब रिट्रेंचमेंट के लिए मैं तुमको दिखाने वाला हूं कुछ। ये बाय द वे रिलायंस का डायग्राम है, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट से इन्होंने बताया कि कैसे पूरा वर्टिकल चेन पे हमारा कब्जा है। ऑयल एंड गैस से चालू होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल, और सीधा कपड़ा बनाता है, फैब्रिक बनाता है, मतलब पूरा वर्टिकल चेन इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। क्या लेवल है इनका? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में मैं दो तीन नाम बोलने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। एक रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जो हम लोग को नहीं रखना है, हम लोग हटा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। बट दैट इज अ वेरी सॉफ्ट रिट्रेंचमेंट। थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा होता है सर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का मतलब होता है अपनी बिजनेस की काया पलट कर दो। अपनी बिजनेस की क्या कर दो? पूरी काया पलट करके रख दो। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी दुनिया में है क्या? हाँ है ना। अंबुजा सीमेंट, सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी, तो जो फैमिली का वो बिजनेस था ना, नवेटिया फैमिली का,
वो लोग सीमेंट के बिजनेस में थे, उन्होंने अपना सीमेंट बिजनेस छोड़ दिया और उस पैसे से वो रियल एस्टेट में घुस गए, मॉल्स बनाने लग गए, हॉस्पिटल्स बनाने लग गए, उससे कमा रहे हैं। तो पूरा धंधा ही चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। आई कैन इवन से कि आईटीसी ने भी पार्शियल टर्न अराउंड किया। आईटीसी जो 100% सिगरेट पे आधारित थी, उन्होंने एफएमसीजी बिजनेस चालू किया बिकॉज उनको मालूम है कि सिगरेट का भविष्य अच्छा नहीं है। तो वो एक टर्न अराउंड किया ना, नहीं टर्न अराउंड का मतलब होता है आप गिर रहे हो एकदम, अब कुछ करना पड़ेगा बच के निकलने के लिए। स्वॉट के अंदर सबसे गंदा चीज क्या है? वीकनेस एंड थ्रेट। आपकी वीकनेस और थ्रेट मिलके इतना आपको डुबा दी है ना कि अब आपको कुछ तो एकदम हटके करना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ इट, दैट्स कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। मतलब सोचो लॉस मेकिंग कंपनी को हमको प्रॉफिट में लेके आना है, दैट्स टर्न अराउंड। तो ऐसी कंपनी के लिए तो अभी जिंदा रखना ही मुश्किल है, एक्सपेंशन की तो सोच सकता ही नहीं ना, इसलिए टर्न अराउंड को अपने रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। और सबसे गंदा वाला रिट्रेंचमेंट क्या है? बेच दो वो धंधा ही, बेच दो। डाइवेस्टमेंट इज उल्टा ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब अक्वायर, डाइवेस्टमेंट धंधा बेच दो, दैट्स डाइवेस्टमेंट। ठीक है, ये था स्ट्रेटजीज का एक समरी जो एकदम मुझे बताना था अभी, लेकिन इंट्रो मेरा खत्म नहीं हुआ है। ये देखो जरा, स्ट्रैटेजिक एग्जिट यानी रिट्रेंचमेंट कितने तरह के होते हैं। नंबर वन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, नंबर टू डाइवेस्टमेंट, और नंबर थ्री क्या? लिक्विडेशन, मतलब पूरा बिजनेस ही बंद। डाइवेस्ट का मतलब होता है मैं धंधा बेच रहा हूं पर कोई और उस धंधे को खरीद के रन करेगा, दैट इज डाइवेस्टमेंट। लिक्विडेशन मतलब वो धंधा ही बंद हो रहा है, ना मैं चलाऊंगा ना कोई और चलाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन, मतलब टोटल स्टॉप। अब ये देखो, ये एक अलग बहुत बड़ी टॉपिक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस चेक। क्या नाम है? स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसके अंदर चार पांच बहुत तगड़े मैट्रिक्स आने वाले हैं। सब कोई आ जाओ पेज 15, ये भी इंट्रो ही चल रहा है। ठीक है, इतने सारे अलग अलग स्ट्रेटजी सीखे ग्लूक एंड जॉर्ज के नाम से, एक बार नाम दोहरा लें क्या? What are the four main big strategy? Stability, expansion, retrenchment, combination. Stability का कोई breakup नहीं है, combination का भी, first और last वाले का कोई breakup नहीं है, retrenchment वाले का breakup है, turnaround, divestment, liquidation. ठीक है, सबसे ज्यादा breakup किसका है? Growth. तो growth वाला वो chart देखो, यहीं पे chart को बस देखते जाओ, growth कितने type का होता है? Internal, external. अच्छा, एक्सटर्नल ग्रोथ तो कितने टाइप का होता है? सर दो ही है, मर्जर एक्विजिशन और स्ट्रेटजिक अलायंस। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करने हो तो वो कितने तरह के हैं? सर ऑर्गेनिक ग्रोथ भी दो तरह का है, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब इंटेंसिफिकेशन कितने टाइप का है? बापरे, इंटेंसिफिकेशन एंसोफ बाबा ने बोला तीन टाइप का है, एमपी एमडी पीडी, करेक्ट। और डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप का है? सर वर्टिकली इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सर वर्टिकल कितने टाइप का है? फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, थैंक यू।